कोरोना महामारी फीस माफी संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों का एक प्रतिमंडल सिटी मैजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अयोध्या सहित प्रदेश के सभी जनपदों के राजकीय और निजी विद्यालयों की लॉकडाउन काल के 3 माह की फीस माफ करने की मांग की। करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष महिला श्वेता सिंह ने बताया कि प्रदेश में कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही 3 माह की फीस माफी की घोषणा की जा चुकी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री से प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासन को उपरोक्त 5 जिलों की तर्ज पर 3 माह की फीस माफ की घोषणा करने का दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। कार्यक्रम के आयोजक सत्यभान सिंह ने बताया कि शासन अपनी मंशा जाहिर करे एवं युवा महाराणा सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह बड्डू ने कहा कि लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं, जो प्रबंधक फीस माफ करेंगे उनको अयोध्या की धरती पर सम्मानित किया जाएगा। करणी सेना के मीडिया प्रभारी सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि अभी ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, यदि शासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो इस आंदोलन को पूरे देश के सामने जोर शोर से धरना के माध्यम से चलाया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में कई संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल है। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का भी प्रयोग किया गया है। आज आपने ज्ञापन सभा क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये ज्ञापन हमने दिया है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको किसी तरीके का रिलीफ मिल सके। हमने ये रिक्वेस्ट किया है प्रशासन से कि 3 माह की फीस बच्चों की माफ करी जाए। जितने भी निजी विद्यालय हैं वो इस समय धमका रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर कि किसी भी प्रकार से वो फीस जमा करें। अब आप ये सोचिए कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, एक अधिवक्ता के तौर पे मैं ये कह रही हूँ कि पिछले 3 महीने से 1 रुपये मुझे फीस नहीं मिली है। तो मेरे जैसे कितने हजारों अधिवक्ता हैं, 4,500 अधिवक्ता केवल यहीं पे ही हैं, फैजाबाद सिविल कोर्ट में ही हैं, कहाँ से देगा कोई, कैसे करेगा कोई, क्योंकि सबके पास खेतीबाड़ी नहीं है। आपने ज्ञापन सौंपा है, कितना समय दे रही हैं आप? देखिए, ऐसा है, अभी हम लोग हफ्ते भर का समय देख रहे हैं क्योंकि 25 तारीख कई स्कूलों ने, कई निजी स्कूलों ने 25 तारीख का समय दिया हुआ है कि वो 25 तारीख के बाद बच्चों का नाम काट देंगे। यदि इस पे हमने फीस नहीं जमा करी 25 तारीख से पहले तो 25 तारीख तक अभी हम देखेंगे। और हफ्ते भर का मजिस्ट्रेट साहब ने भी समय लिया है कि वो हमको बताएंगे कि मीटिंग कब अरेंज करेंगे डीएम साहब के साथ, ताकि हम उनके सामने भी अपनी बात। अगर मान लीजिए इस पे कार्रवाई नहीं होती क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? देखिए, ऐसा है, कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमको बाहर निकल के सड़क पे आना पड़ेगा। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम लोग के लिए क्या कोई रिलीफ नहीं है? क्या हम लोग को हमारे विषय में सरकार केवल इतना है कि हम लोग टैक्स देंगे और सरकार हमारे लिए कोई भी रिलीफ नहीं करेगी? तो कहीं ना कहीं आगे फिर देखा जाएगा, क्योंकि वोट मांगने तो हमारे ही पास आएंगे ना। क्या नाम मैडम? एडवोकेट श्वेता राज सिंह, मैं करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अभी जो मोर्चा हमारा बना है कि संयोजिका भी हूँ। इस मोर्चे में बहुत सारे दल और बहुत सारे संगठन एक साथ आकर के खड़े हुए हैं। इसके बाद भी यदि प्रशासन के कान से जू नहीं रेंगती है तो फिर बड़ी मजबूरी। ज्ञापन सौंपा है, अगर मांगे नहीं पूरी क्या करेंगे आप? यदि ये मांगे हम लोगों की नहीं मानी गई, क्योंकि 3-4 महीने लगातार लॉकडाउन रहा, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने सर्वाइव किया है तो मध्यवर्ती परिवार है, उनसे भी ज्यादा अगर किसी ने सर्वाइव किया है तो वो गरीब जो ठेला लोग लगाते हैं या गरीब लोग जो दैनिक दिहाड़ी करते हैं, उन लोगों ने किया है। आज हमारी करणी सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष और सत्यवान भाई कॉमरेड, आप विनोद जी और भैया, आप सभी के लोगों ने यहाँ पर धरना दिया, ज्ञापन सौंपा है शासन को कि यदि अगर मैनेजमेंट हम लोगों से जबरन फीस वसूली करेगा तो निश्चित तौर पे आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर हम लोग निर्णय लेंगे और उन प्रबंधकों का सरेआम पुतला फूंका जाएगा। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए बहू बेगम मकबरा के ट्रस्टी अशफाक हुसैन जिया के द्वारा 2 दिवसीय का वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फलदार पेड़ आम, लीची, कटहल लगभग 100 पेड़ लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अवध प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अपने पदाधिकारियों के साथ नाका स्थित बहू बेगम मकबरा के अंदर अशफाक हुसैन जिया के द्वारा पौधा लगाकर पौधरोपण किया एवं पानी डाला गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अशफाक हुसैन जिया ने कहा, शहीद हुए भारतीयों को श्रद्धांजलि देते हुए आज यहाँ पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दर्जनों पौधे लगाए। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलता रहेगा, 100 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम पदाधिकारीगण शामिल रहे।